तो शीट नंबर 27 मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल की शीट है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया कैसे, पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ऐसे फायर किया। अब क्योंकि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, तो चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स होती है बी क्यू वी साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स तो लगाएगी नहीं। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो या डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा इसमें कि इट लूजेस एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा। सबसे पहली चीज, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज बाय मास रेशियो आपको क्वेश्चन में वो दे रहा है। वी वेक्टर वी नॉट आई कैप है, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप और के कैप है। देखो आई कैप यहां पे है, चार्ज पार्टिकल आई कैप में है, और मैग्नेटिक फील्ड जे और के में है। तो जे और के और आई कैप में एंगल क्या होता है, 90। चलो वैसे भी देखो, डॉट प्रोडक्ट लो वेलोसिटी और बी वेक्टर का, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और अगर ऐसा है कि वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, कोई डाउट इसमें, पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। तो आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, आप लेट अभी आए, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये रहा प्रोजेक्ट किया मैंने, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव से रिपेल करेगा तो वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी, ये बताया मैंने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया नहीं, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं, और ऐसे आज के लेक्चर में 2-3 बार ये क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहली बार कह रहे पार्टिकल जिसका स्पेसिफिक चार्ज गिवन है, चार्ज टू मास रेशियो गिवन है पाई, इज प्रोजेक्टेड और फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन। क्योंकि वेलोसिटी कहां पर है, एक्स एक्सिस आई कैप है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के अंदर है, तो आई कैप और के कैप में एंगल क्या होता है, 90। तो वी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। क्लियर है यहां तक, पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। अब वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी वी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 1/6 सेकंड क्या होगी। तो एक पॉइंट को समझते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि अगर सपोज करो आपके पास कोई भी पार्टिकल है जो सर्कल में घूमता है कुछ ऐसे, ये रहा, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इसमें बोर्ड के अंदर है, और ये सपोज क्या गिवन है इसमें, ये इसमें वी वेक्टर है, ये इसमें वी वेक्टर है, और ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, पर मैग्नेटिक फील्ड ने इसको सर्कल में घुमा दिया। अब सपोज करो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सच दैट किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहां पे था, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है, किसी भी पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है, और यहां से यहां आने में टाइम लगा स्मॉल टी, तो मेरे क्वेश्चन में स्मॉल टी कितना गिवन है, 1/6 सेकंड। तो मुझे ये बताना है 1/6 सेकंड पर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, 1/6 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, ये मुझे निकालना है। इस टाइप की प्रॉब्लम को करने का एक ही तरीका है, याद रखना ये सेंटर है, तो आप एक काम करें, ये जो सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर लिया आपने, इस सेंटर के साथ ये सपोज एंगल थीटा है,
ठीक है, ये जो सपोज एंगल जो है वो थीटा है, सेंटर के साथ ये एंगल मान लो थीटा है, आप सिर्फ ज्योमेट्री देखें इसमें क्या बनेगी। ज्योमेट्री में एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ की सच दैट, और एक लाइन मैं और ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये वो लाइन है, ये लाइन है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट से ये एंगल भी थीटा है, ये इसका सर्कल का रेडियस आर है, तो मुझे पता है कि ये वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस आपस में एंगल 90 पे होंगे, तो अगर ये थीटा है तो ये कितने 90 माइनस थीटा है, और ये लाइन भी 90 डिग्री पे है तो ये एंगल भी थीटा है। तो याद रखना इस टाइप की प्रॉब्लम में ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, ज्योमेट्री क्लियर है इसकी, ऑनलाइन क्लियर है ज्योमेट्री इसकी? यस सर। ठीक है, तो मैं इसमें सीधा ही ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा। ठीक है, अब ये वी वेक्टर की अगर आप बात करते हो तो वी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं वी वेक्टर लिख के दिखाऊं वेक्टर फॉर्म में, तो पता है क्या बोलोगे, वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। तो वी वेक्टर क्या होगा, वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, राइट। तो अगर मैं आपको वी बता दूं कॉस थीटा साइन थीटा का आंसर आई कैप जे कैप में आ जाएगा, लेकिन एक बार ऑप्शन चेक करो, क्या आपको आपका ऑप्शन आई कैप जे कैप पे पूछा गया है, पूछा गया है। तो यानी कि मेरा मेथड बिल्कुल सही है कि मेरे को वी वेक्टर निकालना है, वेक्टर में वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, तो अगर मैं आपको वी बता दूं थीटा बता दूं आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप याद करें सर्कुलर मोशन के अंदर प्लस वन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो एंगल होता था स्टैंडर्ड, ये पता है क्या होता था, ओमेगा टी, याद है ओमेगा टी। ऐसा क्यों होता था, अगर कोई पार्टिकल एक पूरा चक्कर काट लेता है तो सेंटर पे एंगल क्या बनाता है, टू पाई, कितनी देर में बनाता है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी टाइम में पूरे सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना है, टू पाई। एक सेकेंड में एंगल क्या बनता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। और अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है टी टाइम में, तो ये एंगल क्या है, थीटा। तो टी टाइम में एंगल क्या बनेगा, 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, और मुझे पता है 2 पाई बाय कैपिटल टी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। इसीलिए स्टैंडर्ड एंगल को क्या लिखा जाता है, ओमेगा टी। ठीक है यहां तक, तो इसके अंदर जहां जहां आपको वी वेक्टर में नजर आ रहा है थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस वी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ओमेगा टी निकालते हैं। देखो ओमेगा टी में ओमेगा का मतलब क्या होता है, टू पाई बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल टी होती है सर्कुलर मोशन में 2 पाई m बाय b क्यू। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा क्या आएगा, बी क्यू डिवाइडेड बाय एम, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरे को एक चीज पता है, मेरे को मेरे क्वेश्चन के अंदर टाइम क्या गिवन है, 1/6 सेकेंड, और मुझे क्यू बाय एम की रेशियो क्या गिवन है, पाई। ठीक है, क्यू बाय एम की रेशियो क्या गिवन है, पाई। तो देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, इसके अंदर ओमेगा विल बी इक्वल टू बी क्यू बाय एम की जगह क्या पुट करूंगा, पाई पाई। अब मुझे यह भी पता है कि ओमेगा की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, यहां पर 2, मैग्नेटिक फील्ड माइनस 2 के कैप था, तो मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया। तो मैं इस ओमेगा को यहां पे पुट करने वाला हूं, तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगी, मेरे को मेरे क्वेश्चन में यह गिवन है कि कोई पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10, तो v की वैल्यू तो मुझे पता ही है 10 है, और इस क्वेश्चन में b की वैल्यू इसमें 2 है, टाइम 1/6 सेकंड है। काम करते हैं, इसके अंदर v की जगह पुट करते हैं 10, जो v है इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं कितनी, 10 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा, कितना निकाला हमने, 2 पाई, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 1/6 सेकंड आई कैप प्लस 10 इंटू साइन ऑफ ओमेगा 2 पाई है, टाइम 1/6 सेकेंड है, इंटू
जे कैप। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं तो ये कैंसिल होकर पाई बाय थ्री आ जाएगा, पाई बाय थ्री, तो आपको कॉस पाई बाय थ्री 60 डिग्री पता है, साइन पाई बाय थ्री वैल्यू पता है, ऑप्शन मार्क कर लेना, वी वेक्टर आई कैप जे कैप की फॉर्म में आंसर आएगा। पर मेथड समझ में आ रहा है आज के बाद, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी एंगल के साथ कैसे चेंज हो रही है, ये समझ में आ रहा है? आप किसी भी टाइम पे हमसे अगर वेलोसिटी पूछेगा, आपको याद रहेगा टाइम टी इक्वल टू 1/10 सेकंड पे, टी इक्वल टू 1/6 सेकंड पे, याद रहेगा कि आपको यही मेथड फॉलो करना है। कोई डाउट इसमें ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। वो क्यू बाय एम को पाई क्यों लिखा? गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है क्यू बाय एम पाई। ओके सर, ठीक है, तो यहां से आंसर मार्क कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में एक पार्टिकल है जिसका चार्ज टू मास रेशियो गिवन है अल्फा, तो चार्ज बाय मास की रेशियो कितनी गिवन है? अल्फा। ओरिजिन से रिलीज किया विद वेलोसिटी वी नॉट आई कैप है, तो ये रहा आपका ओरिजिन, तो ये वेलोसिटी वी नॉट आई कैप है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट के कैप है, देखो के कैप कहां होता है? बोर्ड के बाहर। बोर्ड के बाहर का मतलब यहां पर क्या आएगा? डॉट आएंगे। माइनस के कैप का मतलब क्रॉस होता है, के कैप का मतलब डॉट होता है, बाहर की तरफ है। तो ये चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा? इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तो फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगी? ऊपर के नीचे चेक करके बताओ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, बी बोर्ड के बाहर है, करो रूल लगाओ, आंसर क्या आएगा? तो इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल, ये रहा वी, ये रहा बी, तो बी बाहर है, वी वेक्टर कहां पर है? इधर है, तो फोर्स का एक्सपीरियंस क्या है? नीचे। सर्कल का बनेगा ऊपर की नीचे, नीचे, सर्कल ऐसे बनेगा, सर्कल बन गया। जब इसमें सर्कल बना, वो कह रहा है पार्टिकल एक पॉइंट से पास करता है 0, y, 0, तो सोचो ये यहां से कट कर रहा है, इसे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि इस एक्सिस पर एक्स एक्सिस भी जीरो है, वाई एक्सिस है और जेड भी जीरो है, तो कह रहे वाई की वैल्यू क्या है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर ये वाई पॉइंट है, तो ये वैल्यू क्या होगी? ये देखो, ये आर है और ये आर है, और आर और आर मिला के क्या हुआ? 2r, नेगेटिव 2r, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो आंसर -2r। अब आर की वैल्यू सबको पता है क्या होती है? बी क्यू बाय नहीं, MV by BQ, तो MV by BQ, और चार्ज टू मास रेशियो कितनी गिवन है? अल्फा, तो मास टू चार्ज रेशियो क्या गिवन होगी? 1/α, तो मार्क कर लेना, 1/α आ गया आंसर। ठीक है यहां तक, तो कैसे इस क्वेश्चन को करने समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल विद चार्ज क्यू एंटर्स अ रीजन ऑफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म ऑर्थोगोनल फील्ड्स ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्या होते हैं ऑर्थोगोनल फील्ड्स? फील्ड्स ऑर्थोगोनल फील्ड्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल फील्ड्स परपेंडिकुलर फील्ड, ई और बी परपेंडिकुलर है, विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। कह रहा है E वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं,
चार्ज पार्टिकल एंटर करता है और बिल्कुल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा मूव करता है, ना डायरेक्शन चेंज करता है ना मैग्नीट्यूड चेंज करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी अनडिफ्लेक्टेड में, ई बाय बी, हमने केस किया था ई बाय बी। फॉर्मूला की बुकलेट ओपन कर लो, तो आपने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको समझ लो। हमने ये जो क्लास में किया वो स्केलर किया था ई बाय बी। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर होती है ई बाय बी, के पीछे लगाना होता है ई कैप क्रॉस बी कैप। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो एक तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। फिर ये कैप्स का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 × 1 × साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 1। तो मैग्नीट्यूड इसमें 1 है इन चीजों का, और डायरेक्शन क्या है इसके परपेंडिकुलर, तो यानी कि वेक्टर फॉर्म है, तो प्लीज लिखें इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेलोसिटी वेक्टर जब अनडिफ्लेक्टेड है, तो इसमें नोट लिख लें, व्हेन चार्ज पार्टिकल goes undeflected in perpendicular magnetic field and electric field, फिर ये step लिखें, तो velocity vector इसके equal होगा। इसके अंदर ऐसा option मिलेगा नहीं, इसको ठीक तरह करके लिखना पड़ेगा। E cap क्या होता है, a vector by its magnitude। B cap क्या होता है, a vector by its magnitude, multiply करके answer। ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड एग्जिस्ट फॉर अ लेंथ इक्वल टू 1.5 टाइम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल विल बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय। तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल एंटर करता है, कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड सफिशियंट है, मतलब रेडियस से बहुत बड़ा है, उसको जगह मिलेगी घूमने के लिए, नहीं तो सेक्टर की तरह बाहर आ जाएगा, सेक्टर इतना बार नहीं आएगा, जगह काफ़ी है, तो 90 भी जाएगा 90 पे वापस आ जाएगा, किया था। उसने ये नहीं पूछा कितने एंगल पर वापस आएगा, उसने पूछा कि अगर मान लो वी वेक्ट, मान लो पार्टिकल की डायरेक्शन एंट्री की ये है और एग्जिट की ये है, तो दोनों में एंगल क्या बनेगा आने में और जाने में, 180। तो आंसर इज 180, ये क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ यू अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू जीरो एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन विच एग्जिस्ट टू अ राइट ऑफ वाई एक्सिस. इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट फ्रॉम रीजन आफ्टर सम टाइम. हमने किया हुआ है क्वेश्चन. ये पाथ बना के नहीं देगा वो आपको, कहीं सोचो कि दिख रहा है कि पार्टिकल नीचे जाना, वो आपको कुछ नहीं देगा. कहेगा ये इलेक्ट्रॉन है तो बी कहाँ पर है, बोर्ड के अंदर. अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो सेंट्रल फिंगर इधर, तो फोर्स कहाँ पर है, ऊपर. तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता तो नेगेटिव चार्ज नीचे, तो पाथ नीचे होगा, तो वाई लेस देन जीरो. और ये यू से एंटर करेगा और रास्ते में इसकी वेलोसिटी अगर वी हो गई, वी और यू का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, डायरेक्शन को चेंज करता है. तो फाइनल वेलोसिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. ये किया हुआ है हमने, मुझे लगता है. कैसे, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करता है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो आगे एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है. मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आता है और ये एक रीजन में एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में. तो ये मान लो ओरिजिन है x इक्वल टू जीरो. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू a से x इक्वल टू b पे आ रहा है, a से b पे आ रहा है. तो ये डिस्टेंस कितना है बी, ये डिस्टेंस कितना है ए, तो ये डिस्टेंस कितना है बी माइनस ए. तो रीजन कितना है बी माइनस ए, रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है. तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो होता क्या है, या तो ये इधर चला जाएगा एक्स ग्रेटर देन पी पे, या ये अंदर मुड़ जाएगा, या ये इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा. वो चाहता क्या है ये देख लेते हैं. वो कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ वी, अगर आपने वी ज्यादा कर दिया फिर पक्का सेक्टर की तरह बाहर जाएगा. तो आपको कम से कम वैल्यू ऑफ वी बतानी है सो दैट पार्टिकल कैन जस्ट एंटर द रीजन एक्स ग्रेटर देन बी. जस्ट एंटर का मतलब है बाउंड्री कंडीशन है कि बस इसकी एंट्री यहां पर हो ही गई. अब जब एंट्री हो ही गई तो एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन बी. वैसे इस केस में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू का केस भी चल सकता था, बिल्कुल बाउंड्री केस है. पर चलो उसने कहा एंट्री करवानी है, करवा देते हैं. तो आपका रेडियस जो है वो बी माइनस ए से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रीजन बी माइनस ए है और आपका रेडियस उसको एंटर करवाना है इस रीजन में. तो आर क्या होगा, बी माइनस ए से बड़ा होगा. लेकिन रेडियस होता क्या है, एम बी बाई बी क्यू. तो वी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गई, तो वी कम से कम इससे तो बड़ा ही होना चाहिए. तो कम से कम वैल्यू क्या होगी, ये कम से कम वैल्यू है. राइट, क्लियर है यहां तक. क्या हुआ ऐसा क्वेश्चन हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्टिकल ऑफ चार्ज q, मास m, मूविंग विद वेलोसिटी गिवन एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b नॉट j कैप. मान लो b नॉट j कैप है, ये कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर है v नॉट i कैप प्लस j कैप. तो ऑब्वियसली इनके बीच में एंगल 90 नहीं है. वैसे भी डॉट प्रोडक्ट जब लोगे v का और b का तो ये आंसर i डॉट j 0 होगा, j डॉट j 1 होगा. तो वैसे एंगल होगा क्या, थीटा अगर पूछ लो, चलो बताओ एंगल क्या बोलो वी और बी में, क्या बोलते हो, 45. बिल्कुल सही, 45. आई कैप और जे कैप है ना ऐसे, तो 1 1 है तो 45, राइट, सही है. तो 45 है,
अब मुझे बताया कि पार्टिकल सर्कल में घूमेगा नहीं, पार्टिकल कैसे घूमेगा इन हेलिकल पाथ, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है आफ्टर टाइम कैपिटल टी। तो इस क्या पूछ रहे, एक तरीके से इसकी पिच, पिच क्या होती है वी, जो भी है वी है, जो भी चलो ये वी होगा मैग्नीट्यूड, वी इंटू कॉस ऑफ 45 इंटू टाइम पीरियड टी, ऐसे ही होगा। तो इसके अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है, 2 पाई m बाई बी क्यू, पर ये ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, पता है क्यों, क्योंकि मैंने अपने मन से वेलोसिटी वी ली है, इसने अपनी वेलोसिटी दी है आपको, क्या वेलोसिटी दी है, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो वी कॉस 45 होनी चाहिए, पर वो ये कह रहा है कि जो वी वेक्टर है, जो वी वेक्टर है वो वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप है, तो वैसे होना चाहिए वी कॉस 45 वी साइन 45, उसने जान के वी कॉस 45 की वैल्यू को ही रिप्लेस कर दिया बाय वी, ऐसे। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट है आई कैप का वी नॉट, ये एक्स कंपोनेंट है, तो आपको कॉस 45 पुट नहीं करना, सीधा क्या पुट करना है वी नॉट, क्योंकि यहां से साफ पता लग रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलरेडी क्या है वी नॉट, आई कैप का मतलब वी नॉट है। तो पिच क्या होगी, पिच होगी जो भी आप इसमें जो वैल्यू निकालेंगे किसकी, वी नॉट को किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम पीरियड से, और पिच जो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बी के साथ होती है, तो बी जे कैप है, तो आंसर जे कैप आंसर, ठीक है यहां तक।